तो गाइस अभी मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं जोजिला पास। ये देख सकते हो स्नोफॉल हो रहा है और हमें कुदरत ने एक और मौका दिया है कश्मीर घूमने का। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:07 और अभी हम टोटली एकदम फ्रेश हो चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस के को कॉल करके हमने पूछा कि सर क्या लेह लद्दाख का रास्ता चालू है जो सोनमार्ग होते हुए जाता है, तो उन्होंने कहा कि रास्ता चालू है, एक दिन उधर से गाड़ी आ रहा है तो एक दिन इधर से गाड़ी जा रहा है। गाइस बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने क्या किया, रूम पे ही स्विगी से ऑर्डर कर लिया। सो फाइनली गाइस खाना पीना हो चुका है। गाइस कल तो हम द लेक नहीं जा पाए बिकॉज कल रात हो गया था, तो और अभी हम चलते हैं और आज भी हम श्रीनगर में स्टे किए हैं बिकॉज सुबह से यहाँ मौसम एकदम ही खराब था, तो अभी थोड़ा मौसम सही हुआ है तो अभी हम जा रहे हैं द लेक। अभी हम पहुंच गए हैं द लेक के पास। ये देख सकते हो द लेक की खूबसूरती, क्या ही खूबसूरत जगह है गाइस। ये कश्मीर का बहुत ही फेमस जगह है द लेक और यहाँ पे बहुत ही सारी मूवीज भी शूट हुई है। और सामने की माउंटेन की व्यू देखो गाइस, क्या ही अल्टीमेट दिख रहा है। और गाइस वो माउंटेन दिख रहा है, रुको गाइस मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये गाइस ये देखो, इस पे तो पूरी बर्फ पड़ी हुई है। और सामने आपको ये सब होटल सब मिल जाएंगे बोट पे, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होटल सब है ये सब। गाइस आपको बोटिंग करना है यहाँ पे तो आपको 15 से 2000 रुपया चार्ज देना पड़ेगा और ये 5 से 6 पॉइंट आपको घुमाएंगे। और गाइस अगर आपको बोट पे रूम चाहिए तो गाइस आपको बोट पे यहाँ रूम भी मिल जाएगा जो वन नाइट का 10,000-15,000 जैसी आपकी बजट उस हिसाब के यहाँ घर सब मिल जाएंगे। Next morning. Hello guys, assalamu alaikum, sasrikal, namaste, kem chho. I hope guys आप लोग बढ़िया होंगे। तो guys आज हम निकलने वाले श्रीनगर से सोनमार्ग के लिए जो लगभग 86 या 89 किलोमीटर है। So finally guys अभी हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं श्रीनगर से। तो ये अपनी बाइक देख सकते हो, एक हमारी बाइक और दो राइडर्स लोग और मिले, ये जो है तमिलनाडु के हैं तो ये हमें यहाँ मिल गए हैं, तो चलो इनके साथ अपना राइड कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी हम एक जगह पे रुके हुए हैं, थोड़ा फोटो शूट वगैरह हम लोग कर लिया है। और गाइस यहाँ की जो वाइब है और यहाँ की जो खूबसूरती है, हाय मेरा तो दिल ही ले गया यार, कसम से बहुत ही प्यारी प्लेस है यार, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो गाइस हम यहाँ पे अपना फोटो शूट टाइम स्पेंड वगैरह कर लिया और गाइस हमें यहाँ एक टूरिस्ट मिले हैं जो कह रहे हैं कि जोजिला पास पे पूरा बर्फ की चादर भरी हुई है। चलो गाइस हम तो कल ही जाएंगे जोजिला पास की ओर, तो आप ब्लॉग में आखिरी तक बने रहना। फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सोनमार्ग के बहुत ही फेमस ब्रिज के पास। ये देख सकते हो काफी खूबसूरत लग रहा है गाइस, देखो क्या ही अल्टीमेट व्यू दिख रहा है गाइस, एक नंबर। अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे, कुछ फोटोज और वीडियोस लिए हैं, तो आपको अगर वो फोटोज और वीडियोस देखना है तो आप मेरे इंस्टा के पेज पे जाके देख सकते हो। सो गाइस फिलहाल तो मैं सोनमार्ग पहुंच गया हूँ और जैसे मैं सोनमार्ग पहुंचा सबसे पहले तो मैं जैकेट डाला, होटल में स्टे नहीं करने वाले बिकॉज सोनमार्ग में होटल का रेट काफी ज्यादा है। तो हमें 3-4 राइडर लोग मिले हैं, उनके पास कैंपिंग का सारा कुछ है, हमारा कैंपिंग करने का एरिया है और बाजू में एक अच्छी सी नदी है, ये देख सकते हो काफ़ी प्यारी नदी है। फिलहाल हम कैंप लगाते हैं और फिर खाना वगैरह बनाएंगे, फिर खाएंगे और फुल एंजॉय करेंगे, तो आप ब्लॉग में आखिरी तक बने रहना, एकदम आग लगा देंगे। एक टेंट लग चुका है लगभग और यहाँ पे चारों बाइक खड़ी है और दो टेंट सेट और है तो वो दोनों लग जाएंगे, तो पहले एक लगाते हैं उसमें सारा पहले लगेज डालते हैं। और ये साइड से आ रही है गाइस बारिश, तो जितनी जल्दी हम लोग करेंगे उतना ज़्यादा सेफ है
और बारिश जैसे आती है उससे पहले हम लोगों को पहले ये सब क्लियर कर लेना है, पूरा लगेज अंदर डालना है और अपना कैंपिंग का ऑल आइटम कंप्लीट करना है। तो हवा ना आने की वजह से, हवा ना लगे इसकी वजह से हम लोग बाइक एक यहाँ पे डाल दिए हैं। सो गाइस फिलहाल तो अभी हम आ गए हैं होटल में। गाइस जैसा कि आपने देखा कि हम टेंट लगा गए हैं बाहर और वहाँ रुके, तो गाइस टेंट में बहुत ही ज़्यादा हमें ठंड लग रही थी और गाइस टेंट में हमारे पास स्लीपिंग कवर भी नहीं था कि जो हम स्लीपिंग कवर ओढ़ कर सो जाए। तो गाइस वो जो हमारे जो पार्टनर लोग मिले थे, जो रास्ते में जो राइडर लोग मिले थे, तो उनके पास स्लीपिंग कवर वगैरह था, उनके पास ही टेंट था, तो उन लोग वहीं पे रुके और हम होटल में आ गए गाइस, क्योंकि बाहर हमें सेफ नहीं लगा। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गाइस अगर ठंड लग जाएगी तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, और डायरेक्ट ठंडी हवा डायरेक्ट सीने पे आके लग रही है गाइस। तो हम तो फिलहाल ये अपना होटल में आ गए और यहाँ से जो अल्टीमेट व्यू दिखता है एकदम खतरनाक लेवल का गाइस। तो अभी फिलहाल हम हैं सोनमार्ग में और कल यहाँ से हम लद्दाख के लिए रवाना होंगे, तो यहाँ से कल लद्दाख के लिए रास्ता चालू होगा। तो चलो गाइस मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो गाइस क्या ही अल्टीमेट व्यू दिख रहा है, एक नंबर। ये पहाड़ देखो कितनी प्यारी दिख रही है, खतरनाक लेवल का। ये देख सकते हो यहाँ पे कंबल वंबल ओढ़ के और टोपी ओपी लगा कर बैठे हैं, बिकॉज 6 डिग्री टेम्परेचर है अभी और रात में तो माइनस में जाएगा। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा थक गए हैं ठंड की वजह से, बहुत ही ज्यादा सांस फूल रहा है। The next day. Hello guys, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, आई होप गाइस आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी हम निकलने वाले हैं लद्दाख से सोनमार्ग के लिए, और अभी मैं तो ग्लव्स पहन रहा हूँ गाइस, और ये देख सकते हो अभी मैं दूसरा ग्लव्स यहाँ से उठाया और इसे भी अपने हाथ में पहन लिया, और अभी देख सकते हो मैंने बाइक को एकदम अच्छे तरीके से सेटअप किया है गाइज, और दोनों सैडल बैग पे मैंने कवर वगैरह सब चढ़ा दिया, बिकॉज जोजिला पास पे हमें बर्फ भी मिलेगा, स्नोफॉल भी मिलेगा और बारिश भी मिलेगा, हो सकता है, क्योंकि सोनमार्ग के जो लोकल पर्सन है वो कह रहे हैं कि रेनकोट आप ले लो बिकॉज वहाँ आपको बारिश मिल सकता है। तो हमने 2 रेनकोट यहाँ से सोनमार्ग से खरीदा है। तो चलो गाइज अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं, आप व्लॉग में आखिरी तक बने रहना। भाई अभी हम आ चुके हैं श्रीनगर ले हाईवे की ओर, और ये देख सकते हो गाइस आगे पूरा बर्फ ही रोड पे जमा हुआ है। तो चलो गाइस सामने चलते देखते कितनी फीट बर्फ जमी है। मेरे ख्याल से तो लगता है ये 10 या 8 फीट बर्फ़ ऊंची है, और गाइस बहुत ही बुरा हुआ है हमारे साथ यार, हमें डर भी लग रहा था कि हमारी बाइक कहीं स्लिप ना हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, अपनी बाइक स्लिप नहीं हुई। देख सकते हो गाइस अपने दोनों साइड बर्फ, ये देखो पूरी बर्फ रोड से हटाया गया है और बर्फ भी वगैरह पे पूरा कीचड़ पड़ गया है। और गाइस एक दिक्कत ये हो गया कि गोप्रो में जो हमने माइक कनेक्ट किया था श्रीनगर में जो ख़रीदा था, वो माइक भी काम नहीं कर रहा है गाइस। वो माइक हमें लिटरली जब हम ले सिटी पहुँचे तो हमें मालूम चला गाइस कि हमारा माइक तो काम ही नहीं कर रहा है यार, और रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ यार हमारा ऑडियो, तो बाद में हमें वॉइस ओवर कर रहा हूँ गाइस। ये देख सकते हो कि मैं वॉइस ओवर करके ऑडियो डाल रहा हूँ, और हमें तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यार कि हमारे साथ ये ऑडियो का भी प्रॉब्लम होगा। और ये देख सकते हो श्रीनगर का जो ले हाईवे है काफ़ी अच्छा रास्ता है गाइस, एकदम स्ट्रेट और एकदम प्यारा रास्ता है, और थोड़ा सा डर इस बात का लगा रहता है कि लैंडस्लाइड वगैरह ना हो जाए, और यहाँ ट्रक आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। और ये देख सकते हो गाइस मैंने रेनकोट वगैरह पहन लिया बिकॉज़ बारिश की हल्की सी बूंद आना स्टार्ट हो गया था, और मेरे जैसे ही राइट साइड देखोगे पूरा देखो माउंटेन पे बर्फ जमी हुई है। तो चलो गाइस आप व्लॉग को एंजॉय करो और सफ़र को आप एंजॉय करो। चलो यहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं सफ़र का, आप सफ़र को एंजॉय करते रहो।
सो फाइनली गाइज हम वो जगह पे पहुंच चुके हैं जिस जगह का हमें बेसब्री से इंतजार था। गाइज ये सब जगह जो है जहाँ दोनों साइड बर्फ है और बीच में जो रोड पे हमारी बाइक चल रही है गाइज, लिटरली गाइज मैं जब वीडियो देखता था यूट्यूब पे तो मेरे दिल में आता था यार कब मैं जाऊं इस प्लेस पे। तो आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था यार। और गाइज देख सकते हो अभी मैं जोजिला पास पहुंचने वाला हूँ जो लगभग यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर और बच गया है, और उससे पहले से गाइज स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गया है। और गाइज मुझे दुख इस बात का है ना यार कि मेरा माइक यार एंड मोमेंट पे धोखा दे दिया, नहीं तो गाइज जो ऑडियो नेचुरल लेवल का उस समय रिकॉर्ड हुआ था ना, आप उस ऑडियो को सुनते ना यार लिटरली एकदम दिल खुश हो जाता है यार। और ये देख सकते हो मेरे राइट साइड में पूरा बर्फ का चादर भरा पड़ा, ऐसा लगता है यार कि जन्नत में आ गए। और गाइज स्नोफॉल भी हो रहा है और बारिश भी हो रहा है, और मैं अभी गोप्रो का लेंस वगैरह साफ किया हूँ बिकॉज गाइज वीडियो आगे का जो है ना बारिश पड़ने के कारण थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो आप गाइज देख सकते हो यार क्या ही प्यारा प्लेस लग रहा है यार, खतरनाक लेवल का। और यार क्या ही नज़ारा दिख रहा है यार, दोनों साइड बर्फ और बीच में अपनी गाड़ी चल रही है। और ये जो रोड है नीचे का यार, यहाँ पे ना एकदम अलग टाइप का रोड बना कर रखे हैं कि गाड़ी वगैरह स्लिप ना हो। और गाइज जैसे हम जोजिला पास एंटर होने वाले थे उससे पहले हमें स्नोफॉल मिल गया, और मेरे आगे भी आप लोग देख सकते हो बाइकर्स हैं यार। एक चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है ना यार कि बाद में जब हमें वॉइस ओवर करके ऑडियो डालना पड़ता है ना यार, तो वो थोड़ा दिल से बुरा लगता है यार। काश हम उस समय चेक कर लेते अपना ऑडियो, कोई नहीं अभी तो जो हो गया उसे हम चेंज भी नहीं कर सकते ना यार। चलो गाइस आप सफ़र को एंजॉय करो, जैसे हम जोजिला एंटर होंगे यार उस समय की तो खुशी अलग ही रहेगी यार। और ये जो भाई है हमारे आगे, ये वेस्ट बंगाल के थे और हम इनके साथ कनेक्ट किए थे। और गाइस फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं जोजिला पास, और ये देख सकते हो गाइस स्नोफॉल और बारिश वगैरह सारे साथ में हो रहे हैं। और अभी हम जोजिला जैसे एंटर हुए हम बाइक को यहाँ पे किए पार्क। So guys, अभी मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं जोजिला पास, ये देख सकते हो स्नोफॉल हो रहा है और हमें कुदरत ने एक और मौका दिया है कश्मीर घूमने का। ये देख सकते हो स्नोफॉल। So guys, देख सकते हो हम कहां आ गए हैं, हर जगह बर्फ ही बर्फ, एक नंबर फीलिंग, एक नंबर मजा आ रहा है यार, और स्नोफॉल साथ में। Oh my God! Literally guys, बहुत ही मजा आ रहा है। Yeah! Amazing! ये देखो guys, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। हमारे जूते वगैरह सब भीग गए, देखो
हमारे पैंट जूते वगैरह सब के अंदर पानी गया है गाइस। तो हमने एक गलती किया गाइस कि जूते का कवर वगैरह नहीं लिया और हम रेनकोट नहीं लिए गाइस। हमें मालूम नहीं था कि यार कि बारिश भी हो जाएगी। अपनी बाइक ये लगी है और सामने का नजारा देखो, एकदम बर्फ ही बर्फ हो रहा है और बारिश भी हो रही है गाइस। आप ब्लॉग में सिर्फ नजारे को एंजॉय करो। अभी हम एक जगह रुके हुए हैं बिकॉज यहाँ का मौसम फिर से खराब हो रहा है गाइस। और हम यहाँ से ले है 180 किलोमीटर दूर और यहाँ पे सब जन रुके हुए हैं, 4-5 बाइकर्स लोग हैं और बारिश फिर से आने वाला और ठंडी ठंडी हवा इतनी ज्यादा चल रही है ना गाइस कि हमें बाइक राइड करने में हो नहीं रहा है गाइस। तो हम हो सकता है तो यहाँ पे भी कैंप लगा सकते हैं या यहाँ से आगे भी जा सकते हैं। अगर मौसम सही रहा तो हम यहाँ से आगे चले जाएंगे और मौसम नहीं सही हुआ तो हम यहीं पे कैंपिंग लगा लेंगे। क्या ही अल्टीमेट व्यू दिख रहा है। ओ भाई साहब कितने प्यारे प्यारे घर दिख रहे हैं यहाँ से। और देखो सामने पहाड़ पे बर्फ और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है गाइस। एकदम अल्टीमेट व्यू दिख रहा है, खतरनाक लेवल का। ये देख सकते हो गाइस कितने प्यारे दिख रहे हैं घर सब। ये कारगिल है गाइस, हम अभी कारगिल पहुंचे हैं जस्ट। तो हम पहुंच गए हुए हैं मून लैंड के पास। ये देख सकते हो क्या ही खूबसूरत दिख रहा है, एकदम अल्टीमेट व्यू दिख रहा है। जैसा चांद पे सरफेस है ना गाइस, सेम वैसा ही देखो गाइस, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे 9 और गाइस मैं कल आपको कुछ भी नहीं बता पाया बिकॉज गाइस कल हम जब सोनमार्ग से लेह लद्दाख के लिए आ रहे थे गाइस, तो रास्ते में इतना ज़्यादा बारिश हुआ और इतना ज़्यादा बर्फ़ हुआ। तो गाइस हम तो रेनकोट तो लाए नहीं थे मुंबई से, तो सोनमार्ग में सिर्फ हाफ रेनकोट खरीदे थे। हमें क्या पता है कि बारिश होने वाला है और स्नो होने वाला है, तो उसकी वजह से गाइस पूरा हम गीले हो गए थे। तो रात के हम 9 बजे के करीब कुछ लेह लद्दाख पहुँचे और फटाफट हम ये होटल लिए और गाइस फिर खाना पीना खाया और सो गए गाइस। मैं आपसे मिल भी नहीं पाया और आपको कुछ बता भी नहीं पाया गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक वॉश कराने और दिखाता हूँ मैं आपको मेरा होटल कैसा है और ये रूम कैसा है, एक नंबर है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे है बेड, अभी सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ, रात में आए गाइस ऐसे सो गए। यहाँ पे है चेयर और टेबल, देखो गाइस सामान सब भी वैसे बिखरा पड़ा हुआ है, आए हम लोग फटाफट रखे और छोड़ दिए। ये अपना यहाँ पे एक टीवी वगैरह लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक टेबल है और यहाँ पे कबाट है जिसके अंदर हम लोग की जैकेट रखी हुई है और सामने एक बहुत बड़ा विंडो है। और गाइस सामने से जो विंडो से जो व्यू मिलता है ना, काफ़ी अल्टीमेट दिखता है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये है बालकनी होटल का और गाइस सामने का व्यू देखो क्या ही अल्टीमेट दिख रहा है। ये देखो गाइस माउंटेन पर कितनी प्यारी प्यारी बर्फ़ जमी हुई है और ये अभी होटल बन ही रहा है गाइस। तो अरबाज भाई अभी गए हैं वॉशरूम में, उनको आने दो, उसके बाद हम चलते हैं बाइक को वॉश करवाने, फिर आपसे हम अलविदा कहते हैं। फिलहाल तो अभी बाइक वॉशिंग करवा रहे हैं, ये देख सकते हो, तो अभी बाइक वॉश हो रहा है और यहाँ पर मैं बैठा हूँ और मैं थोड़ा धूप सेक रहा हूँ बिकॉज गाइस मेरा सर अचानक से दर्द देना स्टार्ट कर गया। अभी हम लोग रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे हैं और अपनी बाइक ये रही, हमने बाइक वॉश करा के डायरेक्टली रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर पे पहुंच गए बिकॉज गाइस हमारी बाइक 4130 किलोमीटर चल चुकी थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसका सेकेंड सर्विसिंग करा दिया जाए। तो गाइस अभी हम अपने बाइक को सेकेंड सर्विसिंग के लिए दे दिए हैं, तो अभी हमारा वो सर्विसिंग कर रहे हैं। तो चलो गाइस मैं दिखाता हूँ। तो गाइस अपने यहाँ पे बाइक सर्विसिंग हो रही है और यहाँ पे अरबाज भाई देख रहे हैं। भैया
सो फाइनली गाइज हमारा सेकेंड बाइक का सर्विसिंग हो चुका और अभी हम रूम पे आ चुके हैं और अब चलते हैं नहाने और नहाने के बाद हम चलेंगे ले सिटी को एक्सप्लोर करने। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। तो आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना।